फीस के लिए बच्चे को बाहर निकालना, धूप में खड़ा करना, ये सही नहीं है। कल यही से धूप में खड़ा करा दिया, कौन लोग टेस्ट देने, लेकिन हेड सर कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं देना जब तक मतलब फाइन नहीं भरा जाएगा। मतलब पढ़ाई हो रही है ना, प्राइवेट विद्यालय है, सुविधा भी अच्छा है, बैठने के लिए भी सुविधा अच्छा है, ड्रेस में बच्चे। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई क्यों होती है? यहाँ पर सैलरी भी कम होती है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा जो रूल नियम होता है वो कड़ा होता है। विद्यालय में आप अगर जाएंगे मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा, एक्टिव हरदम रहना पड़ेगा। इस समय हम लोग सिवान जिले के मैरवा थाने के सेंट जोसेफ मिशन हाई स्कूल में आए हुए हैं। ये देख सकते हैं मिशन हाई स्कूल का प्रांगण है, और यहाँ पर कल 35 बच्चों को फीस के लिए बाहर निकाल दिया गया था, फीस में एग्जाम में अटेंड नहीं करवाया गया था, वो भी फीस के लिए। अभी चलेंगे हम लोग प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, और वो बच्चे इस समय नहीं आए हैं, 35 बच्चे जो थे बाहर खड़े और घर चले गए, इस समय वो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इस समय हम लोग प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, क्या मैटर था कल 35 बच्चे फीस जमा नहीं किए, उन लोग को एग्जाम में नहीं बैठाया गया, वो घर चले गए। जो स्कूल खुला है इतना देरी से वो नहीं आता था, एक बच्चा दो बच्चा ऐसे बीच बीच में आता है, आने के बाद वो तो फीस जमा करना है क्वार्टरली, ये लोग मंथली कर रहे थे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे मंथली करने के लिए। और मई जून का स्कूल का नियम क्या है, क्वार्टरली या मंथली है? अब भी और मंथली करा, मंथली करना है, मंथली फीस जमा करना है, उसमें 30 तक फीस का रूम और फिर 8 से 7 तक टाइम भी देगा, उसमें आप 7 के अंदर फीस जमा करना है, 7 के बाद होगा लेट फीस लेता है। उसमें आप ये बोल रहे हैं ये टेंथ के बच्चे लोग, कुछ बच्चे लोग आता है बाकी नहीं आता। एक विजय राज नाम का एक आदमी है, उसको ग्रुप बनाता है, बच्चों को बुलाकर ग्रुप बनाकर, और ऐसे कल एक ही साथ इधर आ गया, और परीक्षा खत्म होने के बाद वो थोड़ा सा पकड़े आकर अभी तो ऐसे बोल रहे थे हमारा टेस्ट नहीं लिखवा रहे, तब हम पूछा है क्या है, फीस जमा किया है नहीं किया है, हम फीस नहीं लाया है, तब उसको बोला तब जाकर। उसका फीस कितने महीना का बाकी था उनका? उसको 2 महीने के बाद, 2 महीने का बाकी है। 2 महीना अगर फीस कोई बच्चा नहीं देता है उसको आप बाहर खड़ा करा देंगे? वैसा ही घटना एक बलिया में हुआ था, जहाँ पर फीस के लिए बच्चे को बाहर खड़ा करा दिया गया था, मिर्गी आ गया था, उसको गिर गया था, इस समय लकवा का पेशेंट हो गया है। नहीं अब हम बाहर नहीं करा दिया, उसको बोला फीस जमा करने के लिए, वही पर जो फोन नंबर है एक नंबर से उसको फोन करके गाइडेंस को बुलाने के लिए, तब वही बोला नहीं हम फोन नहीं करेंगे, हम जा रहा, तब बोला नहीं जा रहा, तो उसको बैठने के लिए बोला, वही लोग से फोन करा देंगे, तब ये लोग कुछ लोग और जमा करके चला गया। इसमें दो चार बच्चा है, और सूरज होगा और क्या नाम है, मतलब कोई भी हो, ऐसे बच्चे बच्चे लोग का जो स्टेटमेंट कल आया था उसमें बच्चे बोल रहे थे 35 बच्चे थे, बच्चिया भी थी जो घर चली गई, लेकिन उन लोगों को वहाँ बाहर खड़ा करा दिया गया था यहाँ प्रांगण में, लेकिन उन लोगों को घर भी जाने नहीं दिया जा रहा था फीस के लिए, कि आपके पेरेंट्स आएंगे फीस जमा करेंगे तभी आप घर पर जा सकते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोला है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, नहीं हम लोग ऐसे नहीं बोला है, उसको बोला और परीक्षा खत्म हो गया, वही बच्चे लोग सबको छोड़ दिया है, तब ये लोग सब लोग चला गया, चला जाने के बाद बागर से फिर वही से अंदर आ गया है, तब ये टीचर लोग का हम बागर भेजा है, ये कौन है अंदर आ रहा है, ये साइकिल का जो हवा खोल कर छोड़ता है कुछ बच्चे लोग, इसलिए हम लोग का नहीं मालूम है, तब हम लोग ये टीचर लोग का हम वही पर भेजा है, तब ये लोग यही पर थे, वही लोग का फिर हटा दिए थे, बोला छुट्टी हो गया तुम लोग जाओ। अच्छा, उसमें जिला परिषद के द्वारा रजिस्ट्रेशन को भी लेकर कुछ बातें चल रही थी कि आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं है? रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, है। तब वो ऐसा क्या बात, वही जो आज में वही है जो पगड़े कभी भी होगा इधर से लेटने आ रहे हैं, कभी भी डिस्टर्ब करते रहता है, और कोई भी टीचर का और बिना परमिशन से क्लास स्कूल के अंदर आकर वो जो फोटो खींचता है, कभी और डिस्टर्ब करता है टीचर लोग को बुलाकर, वो विजय रहा ये बार बार हो रहा है। इस समय बच्चों का लेंथ कितना है पूरा? 400 के आसपास। इतना बच्चे लेकर आप पढ़ा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, सरकारी विद्यालय में तो वैसे पढ़ाई नहीं होती है तो बच्चे उधर नहीं जाते हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई के लालच को लेकर बच्चे को अपने पेरेंट्स भेजते हैं यहाँ पर, लेकिन फीस के लिए बच्चे को बाहर निकालना, धूप में खड़ा करना, ये सही नहीं। कभी ऐसे धूप में खड़ा करा दिया, कौन है ये बच्चे को बता दीजिए, ये कल हुए थे उन लोग का वीडियो वायरल हो रहा है, इसलिए हम लोग आए, और कोई ऐसे कोई नहीं बोल सकता है, इधर धूप में जाकर कोई बच्चे को खड़ा कराता है, इस समय तो बच्चे यहाँ पर आए नहीं है कि हम लोग उनसे बयान ले सके, नहीं कोई बच्चे नहीं तो दूसरा भी बच्चे लोगों का, तब वही लोग बाहर खड़ा होना है और धूप में।
कोई आम बात हो गई तो अधिकारी। अच्छा मैटर जो है फीस न जमा करने को लेट लतीफ जो फीस में हुआ है उसको लेकर फीस जमा नहीं करना चाह रहे वो इनको और बात बच्चों को भी ग्रुप बनाकर हम जमा नहीं करेंगे बोलता है। जो बच्चे लोग का फीस टाइम पर जमा करना है तभी ना आगे पढ़ रहा है, बच्चे लोग का डिसिप्लिन हो गया तभी ना आगे बढ़ेगा, बिना डिसिप्लिन से बच्चे लोग बढ़ेगा नहीं। बच्चे लोग उनका पढ़ाई स्कूल से होता है, गार्जियन एक है इसके बाद स्कूल है। मतलब फीस जमा नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं आ सकते अगर लेट लतीफ दो से तीन महीने आ जाता है। अभी वैसे बच्चे हैं जिसका दो तीन महीना नहीं जमा करके बच्चे लोग पढ़ाई हो रही है ना, प्राइवेट विद्यालय है सुविधा भी अच्छा है, बैठने के लिए भी सुविधा अच्छा है, ड्रेस में बच्चे आते हैं अच्छा लगता है। बाबू कल बाहर क्या हुआ था देखे थे, बाहर क्या हुआ था? हम लोग पढ़ रहे थे इसलिए हम लोग नहीं दिख पाए। राजेंद्र बाबू की तरह पास में यहाँ पर बवाल हुआ था, यहाँ पर तुम लोग पढ़ रहे थे सुनाई नहीं दिया, देखे थे बाबू? डर के मारे नहीं बता रहे हो या ऐसे कुछ सही में नहीं देखे थे? क्या हुआ था? नहीं देखे थे, कुछ नहीं हुआ था बाहर? नहीं देखे थे। अब यहाँ पर बाहर ही यहाँ पास में ही देख सकते हैं, बाहर यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन क्लास में पढ़ाई ऐसे हो रहा था कि बच्चे को बाहर भी ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर पुलिस भी आई थी, 35 बच्चे बाहर थे, पेरेंट्स द्वारा बवाल भी मचाया गया था। अच्छा इस पर आप क्या कहेंगे? जो डिस्प्यूट हुआ था, देखिए बच्चे पढ़ रहे थे ठीक है, और जो वो आदर्श के पापा हैं जो विजय का वो आए हैं, मतलब कि अंदर नहीं आए हैं ठीक है, वो पुलिस लोग जो आए वो अंदर आए हैं, लोग वो बाहर ही थे, बच्चे भी बाहर ही थे ठीक है, अंदर में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। डिस्प्यूट जो प्रशासन के लोग आए हैं उनके साथ ही बात व्यवहार हुआ, बात ऐसा नहीं है कि प्रशासन के लोग क्या बोले। नहीं हम तो थे ना ऑफिस में बात हो रहा था, पढ़ा रहे थे क्लास में, तो ऐसा बड़ा डिस्प्यूट नहीं होगा कि भगदड़ हो गया कि सारे बच्चे जान जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो प्रशासन आए अपना धीरे से अपना मैनेजमेंट से बात हुआ, उनके बीच में जो बात हुआ। अच्छा प्राइवेट विद्यालय में आप लोग तो लापरवाही नहीं करते होंगे, क्लास में जाते हैं तो मोबाइल तो यूज नहीं करते होंगे, कुर्सी तो लगता नहीं? नहीं नहीं मोबाइल बैंड है हम लोग के यहाँ, बैंड है और मोबाइल में भी मान लीजिए कि कुर्सी भी नहीं मिलता है बैठने के लिए जितना देर पढ़ाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए जितना देर हम लोग पढ़ाएं क्लास में हम लोग को जब रिवीजन कराना होता है तब कहीं कुर्सी, क्लास में एक्टिव ही रहना पड़ेगा ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर बढ़ जाएंगे तो एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी सैलरी में नहीं, नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी के विषय में यहाँ पे अदर स्कूल से काफी वेल, मतलब क्लास में अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो प्रिंसिपल साहब उस पर एक्शन लेते हैं? एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, जब ये एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई भी प्रिंसिपल एक्टिव एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही अगर सरकारी विद्यालयों में भी टीचर अगर लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइम से नहीं आ रहे हैं, जो कार्य आता है सरकार की तरफ से वो कार्य अगर समय से नहीं करते हैं तो उन लोगों की सैलरी में से भी कट कर देना चाहिए। या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई क्यों होती है, यहाँ पर सैलरी भी कम होती है लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा जो रूल नियम होता है वो कड़ा होता है। विद्यालय में आप अगर जाएंगे मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा, एक्टिव हरदम रहना पड़ेगा, तब यहाँ पर मंथली में सैलरी मिलेगा, नहीं तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर जितना भी गड़बड़ी करेंगे या छुट्टी करेंगे उतनी दिन की सैलरियाँ काट ली जाती है। अब चलिए यहाँ पर जो बवाल हुआ था बच्चों के द्वारा पेरेंट्स के द्वारा फीस को लेकर यहाँ से लाकर दिखा दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।